यस स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में टाइप्स ऑफ डोमिनेंस का एक छोटा सा टॉपिक है ये पढ़ेंगे, और इसके साथ ही हम और एक पॉइंट है, दैट इज अ प्लियोट्रॉपी। तो प्लियोट्रॉपी क्या होता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के ऊपर बहुत बार एग्जाम में शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेशन में आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकता है, वॉट एवर उसका एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। सो क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर आने का चांस रहता है। सो वी शुड नो व्हाट इज अ डोमिनेंस। डोमिनेंस क्या है ये हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज अ डोमिनेंस, तो ये आप अगर आपको डोमिनेंस पता है तो पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डोमिनेंस। डोमिनेंस क्या है? डोमिनेंस मींस हु इज एबल टू एक्सप्रेस इन हेटरोजाइगस कंडीशन। जो हेटरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस हो सकता है वो कहलाता है डोमिनेंस, दैट इज कॉल्ड एज डोमिनेंस। एंड दोज आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इन हेटरोजाइगस कंडीशन इज कॉल्ड एज रिसेसिव। जो हेटरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है उसको हम बोलते हैं रिसेसिव। सो डोमिनेंस जनरली चार प्रकार के होते हैं। बेसिकली देर आर फोर टाइप्स ऑफ डोमिनेंस। ओके, बेसिकली यहाँ पे चार प्रकार के डोमिनेंस है। पहला है कंप्लीट डोमिनेंस, दूसरा होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तीसरा होता है को डोमिनेंस, चौथा होता है ओवर डोमिनेंस, फोर्थ इज ओवर डोमिनेंस। सो वी विल सी ऑल टाइप्स ऑफ डोमिनेंस विथ एग्जाम्पल। चारों के चारों टाइप्स ऑफ डोमिनेंस हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 8 मार्क का या 4 मार्क का, तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, एक्सप्लेन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस विथ एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल के साथ वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, विथ रेशियो आपको वहां पे बताना पड़ेगा। नाउ कंप्लीट डोमिनेंस, अगर आप कंप्लीट डोमिनेंस की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइप ऑफ डोमिनेंस इन अ प्रोजेनीज आर कंप्लीट डोमिनेंस। ज्यादा से ज्यादा अगर कौन सा डोमिनेंस होता है तो कंप्लीट डोमिनेंस होता है। जितने भी एग्जाम्पल है, मैक्सिमम एग्जाम्पल्स आपके कंप्लीट डोमिनेंस के क्या है? इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? When heterozygous is expressed similar to homozygous dominant, homozygous dominant, समझ लीजिए कैपिटल टी, कैपिटल टी एक्सप्रेशन इज सिमिलर टू कैपिटल टी स्मॉल टी। हेटरोजाइगस एक्सप्रेशन ऑफ द हेटरोजाइगस इज सिमिलर टू होमोजाइगस डोमिनेंट, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस तरह के एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे कंप्लीट डोमिनेंस। इस तरह के डोमिनेंस को हम बोलेंगे कंप्लीट डोमिनेंस। मैंने आपको ये बताया कि मैक्सिमम टाइप्स ऑफ डोमिनेंस आर कंप्लीट डोमिनेंस। जो मैक्सिमम टाइप्स ऑफ के एग्जांपल है आपको मिलेंगे, वो एग्जांपल कौन से हैं? कंप्लीट डोमिनेंस के एग्जांपल है। नाउ सेकंड टाइप ऑफ डोमिनेंस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो दूसरा कौन सा प्रकार होता है? वो होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलापा, जिसको आप फोर ओ क्लॉक बोलते हैं। मिराबिलिस जलापा का आपको फ्लावर कलर का इसका एग्जाम्पल है। नाउ व्हाट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस? इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑकर्स व्हेन टू और मोर डोमिनेंट अलील्स आर प्रेजेंट, नाइदर अलील इज अ कंप्लीट डोमिनेंट ओवर द अदर। मतलब यहाँ पे डोमिनेंस है लेकिन इनकम्प्लीट है। डोमिनेंस इज देयर बट डोमिनेंस इज इनकम्प्लीट। डोमिनेंस कैसा है? इनकम्प्लीट है, फुल्ली एक्सप्रेस नहीं होता डोमिनेंस। ओके, सो ऐसे टाइम पे वो इस तरह के डोमिनेंस को हम बोलेंगे। देखिए वहां पे कंप्लीट भी नहीं एक्सप्रेस हो रहा और इनकम्प्लीट क्या बोलते हैं, रिसेसिव भी नहीं एक्सप्रेस हो रहा है, एक्सप्रेस इज मिडल। ऐसे एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हो वो अगर एग्जाम्पल है रेड और व्हाइट, व्हाइट इज रिसेसिव। यहाँ पे व्हाइट क्या है? रिसेसिव है, व्हाइट इज रिसेसिव एंड रेड इज अ डोमिनेंट। तो अगर आप व्हाइट और रेड का क्रॉस करते हो, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, इनके इनके एलील छोड़ दो, आप डब्ल्यू को भूल जाओ, हम स्मॉल आर लिखेंगे। आने वाली प्रोजेनी कैपिटल आर स्मॉल आर अगर आती है, दिस इज इट शुड बी रेड। एज पर कंप्लीट डोमिनेंस क्या आना चाहिए था? रेड आना चाहिए, बट कलर इज पिंक। लेकिन इसका कलर क्या आता है? पिंक आता है। रेड इज फुल्ली नॉट एक्सप्रेस, पार्शियली एक्सप्रेस, तो व्हाइट और रेड का मिक्सचर होके पिंक बन जाता है। तो ये है आपका एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। हमने मेंडेल लॉ में कंप्लीट डोमिनेंस का मोनोहाइब्रिड रेशियो, मेंडेल लॉ में कंप्लीट डोमिनेंस का आपने मोनोहाइब्रिड रेशियो देखा था। मोनोहाइब्रिड रेशियो इज 3:1 फिनोटिपिक का, और जीनोटिपिक का रेशियो था 1:2:1। मैं कंप्लीट डोमिनेंस की बात कर रहा हूँ, 1:2:1। अब यहां पे क्या आएगा?
हियर द फिनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1। क्या आता है? फिनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1। द फिनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1। ये 1:2:1 आता है। कैसे? जब आप पिंक का सेल्फिंग करते हो, व्हेन यू आर मेकिंग द सेल्फिंग ऑफ पिंक, पिंक कैसा है? कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विथ कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या होगा? कैपिटल आर ए गैमेट हो जाएगा, स्मॉल आर ए गैमेट हो जाएगा, कैपिटल आर वन इज गैमेट, अनदर वन इज स्मॉल आर गैमेट। जब आप इसको चेकरबोर्ड में रखेंगे तब आपको क्या मिलेगा? दिस इज अ मेल, दिस इज अ फीमेल, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। सो दिस इज अ रेड, दिस इज अ पिंक, दिस इज अ पिंक, दिस इज अ व्हाइट। तो वन वन इज रेड, टू इज पिंक एंड वन इज द व्हाइट। सो यू विल गेट फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1। और जीनोटिपिक रेशियो भी आपका वही आएगा, कहां पे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 1:2:1। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोटिपिक रेशियो क्या है? 1:2:1। एग्जाम्पल इज मिराबिलिस जलापा, जिसको हम 4 o'clock ट्री भी बोलते हैं, इसके फ्लावर कलर का एग्जाम्पल है। सो रिमेंबर दिस। ओके, नाउ अनदर टाइप ऑफ डोमिनेंस इज अ को डोमिनेंस। को मतलब टुगेदर। अगर कोई डोमिनेंस एक साथ एक्सप्रेस हो रहा है, द डोमिनेंस इज एक्सप्रेस्ड टुगेदर, मतलब दोनों के दोनों, आपका रिसेसिव भी एक्सप्रेस हो रहा है और डोमिनेंट भी एक्सप्रेस हो रहा है, ऐसे एग्जाम्पल को हम बोलते हैं को डोमिनेंस। एंड इसका एग्जाम्पल अगर है वो है आपका स्किन कलर इन काउ, ये जो रोन काउ कैटल्स होती है, इनका जब आप रेड कैटल का क्रॉस जब आप व्हाइट कैटल के साथ करते हो तो आने वाली हेट्रोजाइगस प्रोजेनीज, F1 प्रोजेनीज हम बोलेंगे, आने वाली हेट्रोजाइगस प्रोजेनीज व्हाइट और रेड कलर का मिक्सचर होगा, कहीं पे व्हाइट स्पॉट होंगे, कहीं पे रेड स्पॉट होंगे। सो व्हाट हैपेंस? बोथ कैरेक्टर एक्सप्रेस टुगेदर। यहाँ पे डोमिनेंट भी एक्सप्रेस हो रहा है, बोथ एलील्स एक्सप्रेस टुगेदर। ओके, दोनों एलील एक्सप्रेस हो रहे हैं एक ही साथ, तो उसको हम बोलते हैं को डोमिनेंस। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप। आप ब्लड ग्रुप को अच्छे से जानते हो, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस एज वेल एज मल्टीपल एलील। ओके, एज वेल एज मल्टीपल एलील। को डोमिनेंस इज व्हेन द हेटरोजाइगस शो ट्रेट एसोसिएटेड विद बोथ होमोजाइगस जीनोटाइप, मतलब दोनों होमोजाइगस जीनोटाइप में वो ट्रेट होता है, वो ट्रेट मिक्सचर में यहाँ पे एट अ टाइम दो टूगेदर एक्सप्रेस होता है। ऑफन यू सी डोमिनेंस इन अ मॉलिकुलर ट्रेट्स, द मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ को डोमिनेंस एसोसिएटेड विद द ब्लड टाइप्स। मैंने आपको ब्लड ग्रुप दिखाया, आपको मैंने रोमन कैटल में आपको स्किन कलर दिखाया, देर आर मल्टीपल एलील। ये एग्जाम्पल मल्टीपल एलील का भी है, क्योंकि इसमें आई ए, आई ओ एंड आई बी, ये तीन एलील होते हैं। ओके, अब आप, मैं यहाँ पे को डोमिनेंस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ए भी ब्लड ग्रुप भी होता है, इसमें ए डोमिनेंट नहीं है और बी डोमिनेंट नहीं है, कोई किसी के ऊपर डोमिनेंट नहीं होता, बोथ आर एक्सप्रेसिंग टुगेदर, इसलिए इस टाइप के एग्जाम्पल्स को हम बोलते हैं को डोमिनेंस। ओके, हम ब्लड ग्रुप और अच्छे से मल्टीपल एलील नेक्स्ट चैप्टर वही है, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। नाउ ओहोर डोमिनेंस लास्ट टाइप ऑफ डोमिनेंस है, ये हमारा है ओहोर डोमिनेंस। ओके, लास्ट टाइप ऑफ डोमिनेंस एग्जाम्पल हम ओहोर डोमिनेंस। ओहोर मतलब F1 इज एक्सप्रेस्ड बेटर देन बोथ होमोजाइगस या बोथ पेरेंट। F1 जो है आपका F1 दोनों पेरेंट से भी अच्छा होता है। ओके, F1 इज एक्सप्रेस्ड बेटर देन बोथ, F1 मतलब हाइब्रिड क्रॉस, F1 इज एक्सप्रेस्ड बेटर देन बोथ होमोजाइगस इज कॉल्ड एज ओवर डोमिनेंस। अगर आपका हाइब्रिड दोनों पेरेंट से, होमोजाइगस डोमिनेंट से भी और होमोजाइगस रिसेसिव से भी अच्छा अच्छा है, मतलब ओवर है, अपन मत तो ना, वी आर सेइंग दैट ओवर मत करना, ज्यादा ओवर कर रहा है तू, तो ओवर है मतलब क्या, नॉर्मली वो होता नहीं है लेकिन वो एक्सप्रेस हो रहा है। तो ऐसे कैरेक्टर में, ऐसे कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं ओवर डोमिनेंस। ऐसे बहुत रेयर कैरेक्टर्स होते हैं। देखिए, मैंने पहले ही बोला मैक्सिमम कैरेक्टर्स आर ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस। मैक्सिमम कैरेक्टर्स कौन से हैं? कंप्लीट डोमिनेंस के है, लेकिन कुछ कैरेक्टर आपको इनकम्प्लीट के दिखेंगे, कुछ कैरेक्टर आपको को डोमिनेंस के दिखेंगे, कुछ कैरेक्टर्स आपको ओवर डोमिनेंस के दिखेंगे। एग्जाम्पल इज सिकल सेल एनीमिया इन ह्यूमन। ह्यूमन में सिकल सेल एनीमिया नाम का जो डिसीज है, ह्यूमन में सिकल सेल एनीमिया नाम का जो डिसीज है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आपको पता है ह्यूमन को जब सिकल सेल एनीमिया होगा, यानी कि
ये देखिए यहाँ पे उन्होंने ए से इंडिकेट किया, कोई बात नहीं, एक्चुअली एस से इंडिकेट करना चाहिए, स्मॉल एस स्मॉल एस। तो यानी कि ये सिकल सेल एनीमिया का पर्सन है, और जो कैपिटल एस है ये नॉर्मल पर्सन है, ये नॉर्मल है, इसको सिकल सेल एनीमिया नहीं है। ये पर्सन सिकल सेल एनीमिया का है तो ये ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी जो रेड ब्लड सेल है सिकल सेल टाइप में बन जाएगी। दैट इज अ वन डिसीज बिकॉज ऑफ दिस जीन, सिकल सेल का रिसेसिव जीन आने के कारण। लेकिन ये जो हेट्रोजाइगस है ये कैपिटल एस स्मॉल एस है, इन्होंने ए दिया है, ए के जगह आपको रिप्लेस करना है एस से। ओके, कैपिटल एस स्मॉल ए की जगह कैपिटल एस स्मॉल एस। ये भी कौन है? कैपिटल एस स्मॉल एस है। समझ लीजिए ये हेट्रोजाइगस प्रोजेनी है, ये नॉर्मली है, इसको भी सिकल सेल नहीं होगा। सिकल सेल कब होता है? जब रिसेसिव जीन्स होंगे, जैसे यहाँ पे स्मॉल ए दिया है, हम यहाँ स्मॉल एस बोलेंगे। लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन में इस प्रोजेनी का क्या है? ये नॉर्मल तो है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये भी नॉर्मल है, ये है इन्फेक्टेड। अब इसका एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा बढ़ जाता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में। हेट्रोजाइगस कैपिटल एस स्मॉल एस प्रोजेनी को कभी भी मलेरिया नहीं होगा। तो मुझे बताओ, हेट्रोजाइगस इज बेटर देन बोथ होमोजाइगस ना हो, कैसे है? देखो, इसको मलेरिया मलेरिया पॉजिटिव है, हो सकता है, इसको भी मलेरिया हो सकता है, इसको कभी भी मलेरिया नहीं होगा, ये ऑलवेज मलेरिया निगेटिव है, मतलब मलेरिया होगा नहीं। तो ये अच्छा है ना, हेट्रोजाइगस इज बेटर देन बोथ होमोजाइगस, इससे बेटर देन क्यों है? ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, लेकिन इसको मलेरिया हो रहा है, इसको मलेरिया नहीं हो रहा है, इससे बेटर देन क्यों है? इसको सिकल सेल है ही नहीं, इसको है, ये ड्रॉबैक है, और इसको मलेरिया हो रहा है, इसको, मतलब ये दोनों कैरेक्टर के लिए इसको इसके ऊपर अच्छा है, मतलब हेट्रोजाइगस इज बेटर बेटर देन बोथ पेरेंट्स। अगर F1 आपका दोनों पेरेंट्स से अच्छा है तो इसी दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ओवर डोमिनेंस एंड एग्जाम्पल इज सिकल सेल एनीमिया। आपको याद रखना पड़ेगा इस एग्जाम्पल को, आप मलेरिया और सिकल सेल को कोरिलेट करके बता सकते हो। हेट्रोजाइगस को मलेरिया होता नहीं है, इन दोनों को मलेरिया होता है, ये नॉर्मल है, ये सिकल सेल इन्फेक्टेड है, लेकिन ये नॉर्मल भी है और मलेरिया रेजिस्टेंट भी है। तो ये है आपका फोर्थ एग्जाम्पल ऑफ, मतलब ये है आपका फोर्थ टाइप ऑफ डोमिनेंस, दैट इज अ ओवर डोमिनेंस। तो ये छोटा सा चैप्टर है। अब और एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज अ प्लियोट्रॉफिक इफेक्ट। ये भी पॉइंट आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है शॉर्ट नोट में। प्लियोट्रॉफिक इफेक्ट आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है, वहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं दो एग्जाम्पल आपको, एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ओके, जैसे आपका सिकल सेल एनीमिया भी एक एग्जाम्पल है, जिसमें सिकल सेल हो गया, बाकी न बहुत सारे इफेक्ट करता है, एक जीन है लेकिन बहुत सारे तरह से वो एक्सप्रेशन में इफेक्ट करता है, ऑक्सीजन नहीं सप्लाई होता वो, ओके, बॉडी में वीकनेस आता है, बहुत सारे हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स है, ओके, बहुत सारे प्रॉब्लम्स सिकल सेल क्रिएट करता है, तो वो भी एक एग्जाम्पल है। नाउ व्हाट इज अ प्लियोट्रॉफिज्म? हमने एक टर्म पढ़ा था, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, कैरेक्टर हमें पता है, ओके, क्वांटिटेटिव और करेक्ट क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स हमने पढ़ा था। व्हाट इज अ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर? कैरेक्टर व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन। एक कैरेक्टर मेनी जीन से कंट्रोल हो रहा है, अगर इसका उल्टा कौन है तो इसका उल्टा है प्लियोट्रॉफी, सिंगल जीन अफेक्टिंग मोर देन वन कैरेक्टर। देखिए, मोर जीन अफेक्टिंग वन कैरेक्टर, यहाँ पे सिंगल जीन अफेक्टिंग मोर देन वन कैरेक्टर। एक जीन है, वो जीन क्या कर रहा है? सिंगल जीन अफेक्टिंग 1 2 3 बहुत सारे कैरेक्टर्स को अगर वो अफेक्ट करता है, सच सिचुएशन इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉफी। ओके, उसको हम बोलते हैं प्लियोट्रॉफिज्म। व्हेन अ सिंगल पेयर ऑफ जीन कंट्रोलिंग अ प्रोडक्शन ऑफ मेनी मेनी कैरेक्टर, देन इट इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉफिज्म। एंड इसका जो जीन होता है इसको हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन, और उसको मैकेनिज्म को हम बोलते हैं प्लियोट्रॉफिज्म। ओके, नाउ द टर्म प्लियोट्रॉफी वाज फाइंड इन 1910 बाय वन साइंटिस्ट, फेस्रिप, इसका याद नाम याद रखिए, FESTSCHRIFT, फेस्रिप। नाउ तो आपको मैंने बोला कि जीन अकेला है, वो अकेला जीन बहुत सारे कैरेक्टर 1 2 3 4 ट्रेट्स, ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर को कंट्रोल करने में रिस्पॉन्सिबल। तो इस तरह के मैकेनिज्म को हम बोलते हैं प्लियोट्रॉफिज्म, ऐसे मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉफिज्म। प्लियोट्रॉफिज्म डिस्क्राइब द जेनेटिक इफेक्ट ऑफ अ सिंगल जीन ऑन अ मल्टीपल फिनोटाइपिक ट्रेट्स,
म्यूटेशन इन अ प्लेयोट्रोपिक जीन मे हैव एन इफेक्ट ऑन सम और ऑल ट्रेट्स मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रॉफी इन मोस्ट केस द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन मेटाबोलिक पैथवे में होता है कंट्रोलिंग ऑन डिफरेंट फिनोटाइप्स। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। इसका एग्जाम्पल मैं दो एग्जाम्पल बताऊंगा। पहला एग्जाम्पल जो मैंने आपको बता रहा हूँ वो है जीन फॉर व्हाइट आईज इन डॉर्सोफिला। जीन फॉर व्हाइट आईज इन डॉर्सोफिला, ये जीन अकेला जीन क्या क्या है, व्हाइट आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अफेक्ट द शेप ऑफ द स्पर्म, देन ऑर्गन्स इन अ फीमेल एंड अदर स्ट्रक्चर। देखिए जीन अकेला है, व्हाइट आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लस शेप ऑफ द स्पर्म मेल में, फीमेल के बहुत सारे ऑर्गन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सारे स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए तो कोई जीन अगर एक से दो, एक से ज्यादा कैरेक्टर को गवर्न कर रहा है तो ऐसे जीन को हम बोलेंगे प्लियोट्रॉफिक जीन। दूसरा एग्जाम्पल है फिनिल क्यूटोन्यूरिया। आपको ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में लिखना है, ट्राई टू राइट दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को आप अगर अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो आपको आउट ऑफ नंबर मिलेंगे। प्लियोट्रॉफिक में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं पी की यू डिसीज। अब ये डिसीज क्या होता है पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये एग्जाम्पल फिनिल क्यूटोन्यूरिया इज एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉफिज्म इन ह्यूमन। अब इसके क्या होता है, फिनिल क्यूटोन्यूरिया में अगर म्यूटेशन हो गया उस जीन में, जो जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन एंजाइम फिनिल लाइन हाइड्रोक्सिलेज। एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है ये जीन फिनिल अलाइन हाइड्रोक्सिलेज, याद रखो फिनिल अलाइन हाइड्रोक्सिलेज। मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर से शो करता हूं, ब्लू कलर लेंगे। फिनिल अलाइन हाइड्रोक्सिलेज इस जीन को कंट्रोल या प्रोड्यूस कौन करता है, या उस जीन के प्रोटीन को प्रोड्यूस कौन करता है, फिनिल क्यूटोन्यूरिया। अगर उसमें म्यूटेशन आ गया तो वो क्या कर नहीं कर पाएगा, इट विल नॉट एबल टू प्रोड्यूस द फिनिल अलाइन हाइड्रोक्सिलेज। फिनिल अलाइन हाइड्रोक्सिलेज कन्वर्ट द अमीनो एसिड फिनिल अलाइन टू ट्राइसिन। वो क्या करता है, एक अमीनो एसिड है फिनिल अलाइन, उसको कन्वर्ट करता है ट्राइसिन में, कौन ये एंजाइम फिनिल अलाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। अगर फिनिल अलाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन तो क्या होगा, इट विल नॉट एबल टू कंट्रोल फिनिल अलैनाइन टू ट्रायोसिन। ये ट्रायोसिन वाला अमीनो एसिड नहीं बनेगा तो ह्यूमन बॉडी में क्या कम पड़ेगा, ट्रायोसिन कम पड़ेगा। एंड ड्यू टू म्यूटेशन कन्वर्जन ऑफ फिनिल अलैनाइन टू द ट्रायोसिन रिड्यूस एंटायरली, बंद हो जाएगा, बनेगा ही नहीं। एंड दिस डिसीज कैन कॉज मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन ऑफ द हेयर, स्किन पिगमेंटेशन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें आ सकते हैं। फिनिल क्यूटोन्यूरिया के म्यूटेशन में अगर, या फिनिल क्यूटोन्यूरिया से जो फिनिल अलैनाइन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा था उसमें अगर वो प्रोडक्शन स्टॉप हो गया म्यूटेशन के कारण तो क्या होगा, फिनिल अलैनाइन विल बी नॉट गेट कन्वर्टेड इन टू ट्रायोसिन। ट्रायोसिन बॉडी में ना प्रोड्यूस होने के कारण क्या होगा, वो मेंटल रिटार्डेशन होगा, स्किन में प्रॉब्लम आएगा, हेयर रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, मैं आपको अगर हम क्या बोलते हैं इंटरनेट पे इसका फोटो देख सकते हैं, देन आई विल शो यू, अदरवाइज हमारा ये चैप्टर खत्म है। फिनिल डिसीज लिखता हूं, लेट मी राइट, वैसे हो गया है चैप्टर, जस्ट लेट मी शो यू द फिगर जिससे आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि वो प्रोजेनी किस तरह का होता है, अगर है अवेलेबल तो। ये मैंने आपको बोला था ना, ये देखो इसके हेयर देख सकते हो आप, स्किन देख सकते हो, तो ये इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ फिनिल क्यूटोन्यूरिया। ये मेंटली भी रिटार्ड डेवलप नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स है ओके फिनिल क्यूटोन्यूरिया के, तो ये आपको याद रखना है। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमिनेंस एंड प्लियोट्रॉफी। ठीक है।